जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मुशाए। ये डायलॉग है तो राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का, लेकिन दिल बेचारा फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर ये डायलॉग पूरे तरीके से फिट बैठता है। साथ ही इस फिल्म के करेक्टर मैंने ही कही थी। मैंने देखी है दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म। 7:30 बजे इस फिल्म का प्रीमियर हुआ है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर, तो मैंने तुरंत इस फिल्म को लगा करके देखा। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप अपने रिस्क पर ही देखिए, बिकॉज इस फिल्म को आप देखना शुरू तो कर देंगे और शुरुआत में आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज शुरुआत में फिल्म में बहुत ही अच्छा फील होता है, फील गुड वाली फिल्म लगती है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म का एंड सामने आता है, जैसे जैसे फिल्म ख़त्म हो रही होती है, तो फिल्म देखनी मुश्किल हो जाती है। इस फिल्म के अंदर मैनी का कैरेक्टर पूरे तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर से मेल खाता है। मतलब फिल्म को देख कर के मुझे आई डोंट नो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं खुश भी हूँ अंदर से, बिकॉज जाते जाते वो इंसान, वो कैरेक्टर भी और जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है वो एक्टर भी हमें जीना सिखा गया। और दुखी भी हो रहा हूँ कि आज जब इस फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है और इसे देखने के लिए वो इंसान ही जिंदा नहीं है। खैर, सिर्फ फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है मुकेश छाबड़ा ने, एंड मुकेश छाबड़ा सर, फिल्म के अंदर मेन लीड में है सुशांत सिंह राजपूत और संजना साकी, और एक कैमियो के लिए आते हैं सैफ अली खान। फिल्म की कहानी शुरू होती है किसी बासु के करेक्टर से। किसी बासु का करेक्टर कैंसर से पीड़ित है और वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है, किसी के भी फंडल में शामिल हो जाती है। उसे लगता है कि वहाँ से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन उसे खुशी मिलती नहीं है। उसे लगता है कि अब जल्दी उसकी डेथ होने वाली है और वो पता नहीं क्यों जरी, उसे नहीं पता, उसके पास जीने की वजह नहीं है। फिर कुछ देर बाद फिल्म में एंट्री होती है सुशांत सिंह राजपूत की, मैनी के करेक्टर के तौर पर। और जब मैनी के करेक्टर की एंट्री होती है किसी बासु की लाइफ में, तो किसी की लाइफ एकदम से बदल जाती है, क्योंकि मैनी का जो करेक्टर है वो किसी के एकदम उलट है। वो रजनीकांत का बहुत बड़ा फ़ैन है और बहुत ही फिल्मी बंदा है, बात बात पर उसके फिल्मी डायलॉग्स आते रहते हैं, और वो किसी भी चीज़ को फिल्मी धुन में किस तरीके से चेंज कर देता है, ये भी उसकी एक कलाकारी है। और वो करेक्टर भी कैंसर से पीड़ित है, लेकिन मैनी यहाँ पर किसी को जीने का तरीका सिखाता है और किसी भी मैनी के साथ में खुश खुश अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। क्या होता है, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। और पहले सीन से ही सुशांत सिंह राजपूत अपना जो करिश्मा बिखेरते हैं ना, मतलब ये उन्हीं की फिल्म है। उन्होंने मतलब जैसे इस करेक्टर को जिया है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, मज़ा आ गया उनका काम देख करके फिल्म के अंदर। वहीं संजना सागी की बात करें तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया। और फिल्म के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे प्लीज़ अपने ही रिस्क पर देखें, बिकॉज आप इस फिल्म को देखना शुरू तो कर देंगे और शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे सीन भी आएंगे। स्पेशली जो चर्च के अंदर एक सीन है वो काफ़ी फ़नी सीन है, और फिर टेबल पर डिनर करते वक्त जो एक सीन आता है वो भी बहुत फ़नी सीन है। तो वहाँ पर यार बहुत अच्छा आपको फील होगा, और स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि उनका करेक्टर जो है उसके साथ आप इतने फैमिलियर हो जाते हो कि जब वो कुछ भी करता है तो आपको लगता है कि यार मैं कर रहा हूँ ऐसा और मुझे भी ये करना है। तो फिर वो जैसे जैसे वो एंड की तरफ आती है फिल्म, तो वैसे वैसे फिर आपको देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिल्म के अंदर इमोशनल सीन्स की भरमार है। और मुकेश छाबड़ा सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उनकी पहली फिल्म है और ऐसा देख करके लगा नहीं कि किसी डायरेक्टर की ये पहली फिल्म है। A.R. रहमान ने ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है, उनका म्यूज़िक इस फिल्म को 4 चांद लगा देता है। जब भी वो कोई म्यूज़िक बैकग्राउंड में बजता है या फिर कोई गाना बजता है तो मतलब ऐसे दिमाग में ना सुकून सा मिलता है। साथ ही फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है, और जो जो सीन हमारी स्क्रीन पर आते हैं उन्हें देख करके आँखों को सुकून मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर के इस फिल्म को देखो आप, और हॉटस्टार पर आपको ये फिल्म मिल जाएगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और फिल्म आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं रखा है। बाकी मिलते हैं इसके पूरे रिव्यू के अंदर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।